Good morning. Good morning, all of you. Very, very good morning. So, आप जुड़ जाए, लाइव हो चुके हैं. तो प्रीवियस क्लास, तो हम जो कमेंट प्लीज, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? गुड मॉर्निंग. साउंड क्लियर सुन रही हो? साउंड क्लियर है? यस सर, यस सर, सही है. चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम. इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है इसमें रेस्ट, है ना? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, है ना? स्पीड. तो ये सब हमने पढ़ा है. आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे वेलोसिटी, है ना? कि ये वेलोसिटी क्या है, और फिर हमें पढ़ना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, कि स्पीड में डिफरेंस क्या है, है ना? बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? प्लीज कमेंट करेंगे प्लीज. बोर्ड क्लियर है? साउंड क्लियर है? साउंड. चलो तो हम टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. तो हमें पढ़ना है वेलोसिटी. इसके पहले आपको ध्यान पे होगा कि हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था. इसमें हमने ये पढ़ा था कि लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, है ना, कि अगर ए और इस प्रकार से कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो ये जो जो भी डिफरेंट पाथ होंगे इसका, है ना, ये पाथ ए, ये पाथ बी, तो ये जो डिफरेंट पाथ है, तो ये डिफरेंट पाथ क्या है इसके, तो ये सब इसकी क्या है, ये सब इसके डिस्टेंस है, क्योंकि ये टोटल में क्या करता है, उसमें कुछ इसका यह लेंथ कवर करता है, और जब लेंथ कवर करता है तो इसमें कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होता है. हमने पढ़ा था वहाँ पे, यहाँ पे. तो इसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है वेलोसिटी. इसलिए फिर से हम इस पे आ रहे हैं कि अगर इसको आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो फिर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा इसका चर्चा कर ले, और फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं. साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. हमने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इसी को, कि अगर ए और बी का जो जो टोटल कवरिंग पाथ होगा वह डिस्टेंस होता है. हमने पढ़ा था इसको, यह क्या है, डिस्टेंस, और यह भी क्या है, यह भी डिस्टेंस है. ध्यान दो, यह दोनों ही डिस्टेंस है. किस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का जो लेंथ है वह लेंथ कवर कर रहा है, इसलिए यह दोनों क्या है, तो यह दोनों
डिस्टेंस है, बट और पर लेते हैं कि ए और बी का ये जो स्ट्रेट लाइन का मूवमेंट करता है ना, जब ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करता है तो उस कंडीशन में ये क्या है, तो उस कंडीशन में यह डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उस कंडीशन में यह डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ गए, यहाँ पे एक है कि स्ट्रेट पाथ में और एक है विदाउट स्ट्रेट पाथ, है ना। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ध्यान पे होगा कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इसमें पढ़ा था हमने, अगर ध्यान पे होगा आपको कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ने पढ़ा था कि क्या था, तो ये था हमारा स्पीड था, ध्यान देंगे आप यहां पे, ये हमारा स्पीड था, तो दोनों बहुत ही कम डिफरेंस है। एक चीज ध्यान देंगे यहां पे कि अगर ए से बी तक, अगर हम पाथ बी से जा रहे हैं ना, अगर हम पाथ बी से जा रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड होगा, यहाँ भी क्या होगा, पर टाइम में, है ना, मतलब पर टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जैसे हम पढ़े थे वहां पे कि डी इक्वल टू डी वाई टी, हमने पढ़ा था वहां पे कि वे डी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड टी इज टाइम इंटरवल, है ना, ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा, तो ये था हमारा टाइम टी और इसका बीच का जितना जो कवरिंग पाथ था ये था हमारा डिस्टेंस था। तो ये बिल्कुल ही समान जैसी था कि जिसको हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा कुछ और हम पढ़ लेते हैं इसमें कि अगर इसी कंडीशन में, अगर जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट, तो अब डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है ये वेलोसिटी। आप ध्यान रखेंगे चीज पे, ये जो वेलोसिटी होता है यह डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है ना, यह वेलोसिटी यह डिस्प्लेसमेंट से यह रिलेटेड है। मीन्स इस प्रकार से कि हम कह सकते हैं कि अगर ए से बी तक, है ना, अगर ए से बी तक ये जो फिक्स डायरेक्शन है, जो गिवेन डायरेक्शन है, अगर इस गिवेन डायरेक्शन में अगर ये बॉडी मूव करता है, इन गिवेन डायरेक्शन में अगर ये बॉडी मूव करेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये होगा वेलोसिटी। और अगर इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी टाइम के रिस्पेक्ट में या इसमें चेंजिंग आ रहा है, इस कंडीशन में ये हो जाएगा स्पीड होगा, जिसमें स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमें लिखते हैं इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी इन गिवेन डायरेक्शन, है ना, इन पर यूनिट टाइम, मीन्स किसी भी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में किसी फिक्स डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे फिर से एक चीज आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, तो इसके पहले पढ़े थे डायरेक्शन के बारे में कि अगर डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है तो वह वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसी को हमें लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन गिवेन डायरेक्शन, है ना, गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स क्या है यहां पे कि स्पष्ट रूप से है यहां पे कि जैसे ही हमने जो स्पीड पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें कहीं से भी डायरेक्शन की बात नहीं थी, उसमें, है ना, उसमें कहीं से भी डायरेक्शन का लेवल
डायरेक्शन नहीं था, लेकिन इसमें क्या है तो वेलोसिटी में एक डायरेक्शन की बात है। तो जैसे ही डायरेक्शन होगा तो ये डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डायरेक्शन है इसमें तो यह निश्चित रूप से क्या होगा, तो यह डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू s बाय t, है ना, v इज इक्वल टू s बाय t। अब v क्या होगा, तो v वेक्टर होगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, ये जो है ये बिल्कुल एक डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन के कारण यह क्या है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे v फॉर वेक्टर है, और इसके पहले जो स्पीड बताए थे उसमें हमने कोई एरो का साइन नहीं दिया था, अगर आपको अगर ध्यान पे होगा तो। तो इस कंडीशन में v इज इक्वल टू s बाय t, वेयर वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, एंड टी इज द टाइम इंटरवल, टाइम, और टी क्या है इसमें, टी हो जाएगा इसका टाइम इंटरवल। साउंड क्लियर है, तो टी, और टी क्या है इसमें, टी हो जाएगा हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी क्या है कि किसी फिक्स मतलब गिवन डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा, तो उसका एक कोई फिक्स डायरेक्शन होगा, और जब डायरेक्शन उसका फिक्स होगा तो उस कंडीशन में जो उसमें चेंजिंग आएगा पर टाइम में, वो होगा वेलोसिटी होगा। और अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में वह स्पीड होगा, है ना। बात आई समझ में, चलो यहां पे टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा टाइम इंटरवल, और एस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान पे रखना है कि जैसे ही वेलोसिटी आएगा तो उसमें, अगर वेलोसिटी आएगा तो उसमें हमेशा हमें ध्यान पे रखना है कि उसमें ओनली वन उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होंगे। इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे सो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर, ये क्या है, तो सो वेलोसिटी इज एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। हाँ, वेरी गुड प्रीति पूर्वे। हाँ, हमेशा ध्यान पे रखना है कि जैसे ही वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे हमें डिस्टेंस पे नहीं जाना है, उसमें हमें ओनली वन उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट में रहना है, है ना। और ये क्वांटिटी कौन सा है, तो क्वांटिटी हो जाएगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। और फिर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, है ना, अगर यहाँ पे इसका अगर यूनिट लिखते हैं तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो अब जैसे हम ये वी को वी इक्वल क्या लिखते हैं, तो एस बाय टी लिखते हैं, है ना, हम क्या लिखते हैं इसको, वी इक्वल टू एस बाय टी लिखते हैं। और ये जो एस बाय टी होता है, तो एस क्या है, ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, तो ऑलरेडी एक डिस्टेंस ही होता है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, वह यूनिट क्या है, उसका डिस्टेंस का यूनिट, फास्टली बताओ कोई कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, वेरी गुड। तो मीटर और टाइम का, और टाइम का हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, मीन्स वेलोसिटी का भी यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी का भी जो यूनिट है वह मीटर पर सेकेंड ही है। बताइए समझ में कि वेलोसिटी और स्पीड जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कि वेलोसिटी क्या है तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है तो यह स्केलर क्वांटिटी है ना, मीन्स
वेलोसिटी जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है ना, और स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। बताइए समझ में, दोनों का जो यूनिट होता है तो वह मीटर पर सेकेंड ही होता है ना। इस प्रकार से बता गई समझ में। चलो तो हम और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक तो न्यूमेरिकल सा बन जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अभी क्वेश्चन है देखो, जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक है, समझो क्वेश्चन, एक सर्कुलर ट्रैक है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस दिया हुआ है 25 मीटर, है ना। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस दिया हुआ है 25 मीटर, और ये जो बॉडी है यहाँ पे या ए से ये बी तक मूव करती है, सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है ना। ध्यान रहे, एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे ए से बी तक ये बॉडी मूव कर रहा है, और इसको मूव करने में जो टोटल टाइम लग रहा है इसको, तो टोटल टाइम लग रहा है इसको 25 सेकेंड का टाइम लग रहा है इसको, है ना। इसको टाइम कितना लग रहा है, तो 25 सेकेंड का टाइम लग रहा है ए टू बी मूव करने में, सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है। ध्यान देना कि बॉडी मूव कहां पे कर रहा है, तो मूव कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, और इस कंडीशन में आपको ये निकालना है कि इसका स्पीड क्या है और इसका वेलोसिटी क्या है, दोनों फाइंड आउट करना है। ध्यान पे रखना है कि ये एरो का साइन दिए हैं, मीन्स एरो क्या है यहाँ पे, तो यह जो एरो है यह शो कर रहा है कि यह क्या है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स यह वेलोसिटी होगा, और यह भी क्या है, तो यह भी स्पीड है ना। तो आपको इस कंडीशन में आपको इसको निकालना है कि इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या है और इसका स्पीड क्या है। फास्टली आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, आप फास्टली इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम ट्राई करते हैं इसको, कि अगर हमें अगर स्पीड को निकालना है तो स्पीड क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल टू एस बाय टी लिखते हैं, है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो इसको हम लिखते क्या है, तो वी इज इक्वल टू एस बाय टी लिखते हैं, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्या करना है कि ए से बी तक का डिस्टेंस, तो ए से बी तक क्या है, ये हाफ सर्किल है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि यह इसका जो सेंटर है, सेंटर से ये लाइन क्रॉस कर रहा है, मीन्स यह क्या है यहाँ पे, तो यह हाफ सर्किल है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका हमें सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकालना है, क्योंकि जो बॉडी है वह बॉडी ए से बी तक ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है ना, बॉडी ए से बी तक ये सर्कुलर ट्रैक पे यह मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसका, तो एस इज तो बी इज इक्वल टू एस बाई टी होगा, है ना, बी इज इक्वल टू एस बाई टी।
और फिर ये S क्या होगा, तो यह तो हाफ सर्किल है, तो टोटल सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr होता है ना। टोटल जो सर्कमफ्रेंस होगा तो वो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr होगा। तो अब ये 2πr का तो ये तो हाफ है, ये तो कंप्लीट ये साइकिल पूरा नहीं किया है, ये तो हाफ साइकिल पे है। मींस ये जो a से b तक का कितना हो जाएगा, तो ओनली 1πr। तो s कितना हो जाएगा इसका, तो s हो जाएगा इसका पाई आर। मीन्स टोटल 2πr जो है तो 2πr का हाफ होगा। और टाइम कितना है, तो टाइम लग रहा है इसको 25 सेकंड टाइम लग रहा है बाय 25 है ना। इस प्रकार से अब इसका अगर हम इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो अब ये जो है पाई, तो पाई का वैल्यू तो चलो लिख लो 22/7 लिख सकते हो। और R का जो वैल्यू है ना, अब ये जो R है तो R का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो R तो है यहाँ पे 25 है और बाय टाइम कितना है, तो 25 है। मींस यहाँ पे ये 25 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.14 मीटर पर सेकेंड। बात आई समझ में? वेरी गुड रचित्राज, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 22/7। लेकिन अगर हमें इसका वेलोसिटी फाइंड करना है ना, लेकिन इसका अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी क्या होगा इसका, फास्टली बताओ वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी है ना, इधर वाला क्लीन कर ले रहे हैं, आप सिस्टम में निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी बी वेक्टर इसको निकालना है। तो जब इसको निकालना है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम इसका वेलोसिटी क्या है, फास्टली कौन प्लीज मीटर पर सेकेंड। शिवांशु कुमार, वाह वाह वाह, वेरी गुड। चलो देखो फिर से समझाते हैं इसको। ये जो स्पीड है, तो स्पीड कहां पे मूव कर रहा है, तो मूव तो कर रहा है बॉडी, मूव कर रहा है सरकमफ्रेंस से, बॉडी मूव कर रहा है ना, बॉडी मूव कहां पे कर रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे मूव करा है, सर्कमफ्रेंस पे तो ये हाफ सर्किल मूव किया है, तो हाफ सर्किल का लेंथ कितना होगा, फूल का तो होता है 2πr, होता है ना, ध्यान दो कि फूल सर्किल का होता है 2πr। तो अगर हाफ सर्किल मूव किया तो बाय 2 कर लो, टोटल का आधा कर लिए, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया πr डिस्टेंस ट्रेवल किया और बाय कितना πr और बाय क्या टाइम है ना, ये क्या है, तो ये है टाइम। तो s इक्वल टू हो गया पाई और t इक्वल टू 25 है ना, तो इस पर सॉल्व करो तो आ जाएगा 3.14। ठीक, अब देखो यहां पे अगर ये जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वेलोसिटी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा, तो a और b का जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है ना, a और b का जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है, तो ये क्या है, यहां से a और b का जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, अब देख लो यहां से कि ये भी 25 है, क्योंकि ये भी इसका रेडियस ही होगा है ना, ये सेंटर है और ये इसका सर्कमफ्रेंस है, तो ये बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, तो ये रेडियस होगा और ये भी क्या है, तो रेडियस ही होगा। तो अब यहां से हमें स्ट्रेट पाथ पे चले जाना है ना, यहां से हमें क्या करना है, स्ट्रेट पाथ चूज करना है। तो टोटल यहां पे अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, यहां पे जो लिखेंगे क्या, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखना है हमें। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहां से डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो क्या होगा 25 और 25 में 50 और बाय टाइम कितना लगा 25 सेकेंड, तो 25 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो देखो अब एक ही कंडीशन में
देखो एक ही कंडीशन में दो आंसर आया, एक का स्पीड क्या आया हमें, तो स्पीड आया 3.14 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी क्या आया यहाँ पे, तो 2 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी आया है ना। तो अब यहां पे दो कंडीशन है, तो यहां से अगर ये दो कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि चलो एक तो ये कंडीशन हुआ, चलो अब दूसरा कंडीशन एक और कंडीशन देख लेते हैं ना, एक और कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, यार स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है बॉडी, बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, तो बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, बॉडी मूव कर रहा है, और ए और बी का जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है ये है 100 मीटर है ना, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ 100 मीटर है, और टाइम जो इसको लग रहा है ए से बी तक मूव करने में, ये टाइम लग रहा है इसको 10 सेकेंड है ना, तो एक लग रहा है इसमें 10 मीटर का 100 मीटर का डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, लेकिन यह एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दो कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन बॉडी है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, जिसमें ए और बी का जो डिस्टेंस है, मतलब ए और बी का जो लेंथ है, बिटवीन लेंथ है, वह 100 मीटर का लेंथ है, और इसको कवर जो इसका कवरिंग टाइम है, तो कवरिंग टाइम है इसका 10 सेकेंड। तो इस कंडीशन में फाइंड आउट करना है कि इसका वी और वी वेक्टर मीन्स दोनों को फिर से हमें फाइंड करना है कि वी पर इसका वेलोसिटी क्या है, और हाँ रागनी भगत 50/25 वेरी गुड। हाँ तो इस कंडीशन में अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमें ये निकालना है कि इसका वेलोसिटी क्या है और इसका स्पीड क्या है ना। फास्टली फास्टली सॉल्व करो इसको। इस कंडीशन में जो हमें फाइंड करना है, इस कंडीशन में हमें ये फाइंड करना है कि इसका भी स्पीड क्या होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा। खुशी जायसवाल 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, और स्पीड क्या होगा फास्टली 10 मीटर पर सेकेंड वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस कंडीशन में अगर हम लिखेंगे तो बीस का जो क्या लिखेंगे यहाँ पे एस बाय टी, और एस कितना है तो 100 ही है, बाय 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और ये भी निकालेंगे इसका, तो क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन पे है, ध्यान दो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के कारण ही इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और टाइम फिर से वही रहेगा, मीन्स ये भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो यहां से एक बहुत ही सुंदर हमें कंक्लूजन मिलता है ना, कि अगर बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव करेगा है ना, कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी और स्पीड जो होगा वह दोनों, हाँ दोनों सेम है, तो दोनों क्यों सेम है, मीन्स व्हेन बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, हम लिख लेते हैं यहां पे व्हेन बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन अगर कर्व पाथ पे अगर लेकिन अगर कर्व पाथ पे बॉडी मूव करेगा है ना, लेकिन अगर बॉडी कर्व पाथ पे मूव करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, समझो यहां पे कि अगर
अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला कंडीशन था इसमें देखो कि बॉडी कर पात पे मूव करता है, तो कर पात पे मूव किया तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन बॉडी मूव्स ऑन कर्व पाथ, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन कर्व पाथ देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम, है ना। अब यहां से दो कंडीशन हमने देख लिया यहां पे कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव करता है, है ना, अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, वेरी गुड, तो अगर बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, है ना, और अगर कर पाथ पे मूव कर रहा है तो स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम। ध्यान रखना है सब चीज को, कर पाथ, है ना, कि अगर कर पाथ पे मूव करेगा तो उस कंडीशन में, चलो इसी में एक थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, है ना, ऊपर वाला को हम क्लीन कर रहे हैं और नीचे वाला को फिर से हम उसी में एक और क्वेश्चन जुड़ जाएगा हमारा, हम देख लेते हैं उसको। अब देख लो यहां से कि अगर ये अगर बॉडी ए से मूव करते हुए ए तक आ गया, है ना, ये जो कर्व लाइन है इस कर्व लाइन पे बॉडी मूव करते हुए ए पे आ गया, एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया, है ना, ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करता है, तो एक कंप्लीट साइकिल ये पूरा किया, तो कंप्लीट साइकिल पूरा करने के कारण, है ना, इसका अब बॉडी ए से ए पे है, ध्यान दो ये बी गायब हो गया यहां से, ये बी गायब है अभी नहीं है, बॉडी ए से मूव करना स्टार्ट करती है और ए पे ही पहुंच जाती है। इस कंडीशन में इसको अगर 25 सेकंड का टाइम इसको लग रहा है ना, कि अगर इस कंडीशन में इसको अगर 25 सेकंड का टाइम इसको लग रहा है, इस कंडीशन में इसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों फाइंड करना है। अगर बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे एक साइकिल पूरा करता है जिसका रेडियस 25 मीटर है और टोटल टाइम इंटरवल 25 सेकंड का लग रहा है इसको, तो इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या है और इसका स्पीड क्या है, है ना, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी जीरो होगा, अच्छा, और स्पीड क्या होगा, फास्टली टाइम 25 सेकेंड, टाइम उतना ही है जो पहले था। दिलखुश कुमार 4 मीटर पर सेकेंड, अच्छा देख लेते हैं क्या आता है इसका, है ना, देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर यहां से सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी अगर निकालें तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, क्योंकि बॉडी ए से स्टार्ट करता है मूव करना, है ना, बॉडी ए से मूव करना स्टार्ट करता है और ए पे ही पहुंच जा रहा है,
तो इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा। टाइम कितना लगा, तो 25 मींस जीरो मीटर पर सेकेंड, मींस इसका जो वेलोसिटी होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो जीरो मीटर पर सेकेंड। और अगर ये सर्कमफ्रेंस अगर होल सर्कमफ्रेंस को अगर मूव करता है ना, तो इस कंडीशन में जो हम वी निकालेंगे, वी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब ये इसका डिस्टेंस क्या होगा, अब ये डिस्टेंस तो कंप्लीट साइकिल पूरा किया है, तो क्लास 8 में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ये चीज को कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि क्योंकि ये जो सर्कल है तो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये बॉडी मूव कर रहा है ना, ये जो बॉडी है ये बॉडी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, इसलिए जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा, अब ए से मूव करता है और ए पे ही आ रहा है, इसलिए कंप्लीट साइकिल पूरा किया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2πr होगा, है ना, 2πr टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम कितना होगा, तो टाइम है फिर से 25 सेकेंड, मीन्स टोटल टाइम लिखना है, तो 2πr 2 × 22/7 इंटू आर क्या है, तो आर तो 25 है ना, और बाय 25 कर लेना है, 25 कैंसिल हो गया, मीन्स ये हो जाएगा 6.28 मीटर पर सेकेंड, है ना। है ना, बात आई समझ में, हाँ भाई 6.28 होगा, 3.14 का डबल डबल कर लो, रागनी भगत 44, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बात आया समझ में, चलो वो देखो यहां से भी एक कंडीशन मिल गया हमें, है ना, यहां से क्या कंडीशन मिलता है, थोड़ा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से तो हमें कंडीशन मिला, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई मूविंग बॉडी है ना, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी का डिस्प्लेस ये वेलोसिटी जीरो हो सकता है ना, वेलोसिटी कैन बी जीरो ऑफ ए मूविंग बॉडी, कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो सकता है ना। हम लिख, तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने क्या देखा कि बॉडी तो मूविंग है लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हम लिखते हैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी मे बी जीरो, मे बी जीरो, है ना, कि अगर मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है वह जीरो हो सकता है, बट इसका जो स्पीड है यह जीरो, इस कंडीशन मूविंग बॉडी ध्यान पे रखना है कि मूविंग बॉडी नॉन स्टेशनरी बॉडी, ध्यान पे रखना है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी का वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है बट स्पीड जीरो उसका नहीं होगा, बट स्पीड कांट बी जीरो, है ना, बट उसका जो स्पीड है वह जीरो नहीं हो सकता है किसी भी मूविंग बॉडी का, है ना। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को आज के क्लास में, ठीक है, तो क्लास को हम एंड कर रहे हैं, है ना, तो हम क्लास को एंड कर रहे हैं, हमें भी स्कूल जाना है, ठीक है, ओके okay।